तो ये केस टू से रिलेटेड हमारी थेविनिन्स थ्योरम की एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट दोनों ही सोर्सेस हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सोर्स है इंडिपेंडेंट जो कि 10 एम्पीयर्स का है, और एक सोर्स है हमारा डिपेंडेंट जो कि इस Vx पे डिपेंड करता है। ये Vx क्या है, यहाँ 2 ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज। तो हमको फाइंड आउट करना है थेविनिन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती थी, रिमूव द लोड। यहाँ लोड कनेक्टेड है नहीं और टर्मिनल्स ओपन है, इसलिए हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप हमारी होती है फाइंडिंग आउट VTH. What is VTH? This V. हमें ये V find out करना है। तो V find out करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का करंट क्या होगा। यहाँ का करंट assume करते हैं 2 ohm से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I2। तो I2 is equal to this 10 ampere plus ये Vx by 4 V, चूंकि यहाँ ओपन है इसका मतलब ये पूरा का पूरा करंट जो हमारा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो I2 is equal to इन दोनों का सम Vx by 4। दूसरा हमें पता है Vx क्या है, Vx is equal to 2 multiplied by I2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि I2 is equal to Vx by 2। ठीक है, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Vx by 2 is equal to 10 plus Vx by 4। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, Vx by 4 is equal to 10 और Vx is equal to 40 volts। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो आउटर लूप हमारा बन रहा है इसमें हम KVL लगाते हैं। तो आउटर लूप में KVL लगाने पे हम देखेंगे क्या, यहां से चालू करते हैं, ये V है, V यहां से जाएंगे तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, माइनस, क्योंकि पैसिव एलिमेंट है इसलिए हम माइनस कंसीडर कर रहे हैं, वोल्टेज राइज को पॉजिटिव। तो ये प्लस वी माइनस 5 इंटू यहां से फ्लो होने वाला करंट क्या है, वी एक्स बाय 4, आउटर लूप बोला है मैंने। तो फिर नेक्स्ट यहां आते हैं माइनस 3 आई टू, आई टू कितना है हमारा, आई टू इज इक्वल टू वी एक्स बाय 2। नेक्स्ट जाते हैं माइनस वी एक्स, खत्म होता है लूप यहां पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी एक्स हमारे पास निकल के आ गया है 40 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं वी माइनस 5 40 बाय 4 माइनस 3 40 बाय 2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, V इज इक्वल टू 50 प्लस 60 प्लस 40 विच विल बी इक्वल टू 150 वोल्ट्स। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम की सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हमको फाइंड आउट करना है थेविनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जब भी थेविनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, फाइंड आउट करना है, और उस समय यदि हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो उसको दो मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, या तो हम यहाँ पे एक डमी सोर्स कनेक्ट करके और वी और आई का रिलेशन निकाल दें, वी बाय आई इज इक्वल टू आरटीएच, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लें, और ओपन सर्किट वोल्टेज हमने VTH फाइंड आउट कर ही लिया है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, ये हमारा थेविनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम, चूंकि हमने VTH फाइंड आउट कर लिया है, हम इस सर्किट को मॉडिफाई करके इसको यहां से हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और यहां से हम ISC फाइंड आउट करेंगे। ISC फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि ISC क्या है, एक्चुअली यहां से फ्लो होने वाला करंट और यहां से फ्लो होने वाला करंट इनका एल्जेब्रिक सम है। तो हम बोल सकते हैं आई एस सी इज इक्वल टू आई थ्रू 5 ओम्स प्लस वी एक्स बाय 4। ठीक, वी एक्स हम पिछले पार्ट में हम देख ही चुके हैं, वी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, 10 वोल्ट्स। ठीक, आई थ्रू 5 ओम्स कितना निकलेगा, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, V, यहां से हम देखें अगर ये वाला लूप लगाए तो ये क्या होगा, V by 5, क्योंकि यहां V minus 0 divide by 5 यहां का
वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय फाइव, यहाँ का करंट होगा विच इज इक्वल टू वी बाय फाइव एम्पियर्स। ठीक है, एक यहां से हम देखते हैं, यहां पर केसीएल लगाते हैं तो क्या आएगा, हम देखते हैं वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू माइनस, मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ, आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव अज्यूम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टेन प्लस वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय फाइव शुड इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू वी बाय फाइव माइनस टेन प्लस वी बाय फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू वी बाय फाइव इज इक्वल टू टेन और v इज इक्वल टू फिफ्टी बाई टू विच इज इक्वल टू 25 वोल्ट्स। यह हमें v पता चल चुका है। अब यहां का करंट हमको निकालना है तो क्या होगा, आइए से हमने देखा करंट थ्रू 5 ओम्स, 5 ओम से कितना करंट होगा v माइनस जीरो डिवाइड बाय 5, तो v हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 25 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स। ठीक है, प्लस वी एक्स बाय 4, ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या आई एस सी, आई सी इज इक्वल टू 5 ओम प्लस वी एक्स बाय 4 और वी एक्स हमारे पास चूंकि कितना है, हमने निकाल लिया था 10 वोल्ट निकला था हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 10 बाय 4 इट इज इक्वल टू आई एस सी, तो आई एस सी इज इक्वल टू 7.5 एम्पीयर्स। ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहां से आई एस सी तो हमने निकाल लिया, वीटीएच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वीटीएच कितना निकल के आया था 150 वोल्ट्स, तो आरटीएच विल बी इक्वल टू सिंपली ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, या इसको हम बोल सकते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट विच विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 7.5 एम्पीयर आया था, तो ये हो जाएगा हमारा 20 ओम, आरटीएच इज इक्वल टू 20 ओम्स। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा अक्रॉस ए एंड बी हमसे पूछा था, तो ये वीटीएच विच इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स और आरटीएच विच इज इक्वल टू 20 ओम्स, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हो गया हमारा।